दोस्तों, भारत के चार धामों में से एक है जगन्नाथपुरी धाम। कहते हैं यहाँ बाकी के तीन धाम जाने के बाद अंत में जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर में लगा हुआ झंडा हमेशा विपरीत दिशा में क्यों लहराता है, और साथ ही में ये बताएंगे क्यों जगन्नाथ मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती है। जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंपा हुआ था। इसी के तहत हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को इस मंदिर के अंदर आने से रोक दिया था। यह वाक्य चमत्कार था। समुद्र के करीब होने के बाद भी मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती है, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची और विनाशक क्यों ना हो। समुद्र की आवाज मंदिर में आने से रोकने के पीछे कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए तो द्वार पर खड़े होकर हनुमान जी ने बताया कि इस समय प्रभु विश्राम कर रहे हैं। नारद जी द्वार के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि समुद्र की आवाजें उन्हें सोने नहीं देती हैं। नारद जी ने जब भगवान की विश्राम में आ रही बाधा की बात हनुमान जी को बताई तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो। इस पर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज रोकना मेरे बस की बात नहीं है। हवा चलेगी तो आवाज तो आएगी, लिहाजा इसके लिए अपने पिता से विनती करें। फिर हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से आग्रह करके कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। पिता ने इसे असंभव बताते हुए सुझाव दिया कि मंदिर के आसपास एक गोला बना दें जिससे अंदर आवाज नहीं जाएगी। हनुमान जी ने पिता का सुझाव मानकर मंदिर के चारों ओर वायु से एक ऐसा चक्र बना दिया कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं जाती है और भगवान जगन्नाथ आराम से विश्राम करते हैं। यह चमत्कार मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही देखने को मिलता है, लेकिन एक कदम पीछे हटते ही आवाज फिर से सुनाई देने लगती है और तभी से मंदिर में लहराता हुआ ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख देना।